हेलो दोस्तों, आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर ये तो समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। दोस्तों, आज मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कुछ पैसों के लिए सेलर किस तरह फर्स्ट टाइम ओनर के साथ चीट करते हैं और उन्हें सस्ते दाम का लालच देकर कैसे बेवकूफ बनाते हैं। ये बात है 2018 की। एक फर्स्ट टाइम ओनर यानी कि एक भाई साहब पहली बार अपने घर एक पप्पी लाने वाले थे। उन्हें इंडियन स्पिट्ज पप्पी चाहिए था, व्हाइट सा दिखने वाला लंबे बालों वाला पप्पी। उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है डॉग सेलर का और वो वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पॉम पप्पी चाहिए। तब सेलर भाई साहब कहते हैं, अरे पॉम पप्पी की डिमांड बहुत ही ज्यादा है, मिलना मुश्किल है। तब फर्स्ट टाइम ओनर बोलते हैं, भाई साहब आपका नाम बहुत सुना है, बड़ी दूर से आया हूँ, निराश मत कीजिए। तब सेलर उन्हें बताते हैं कि एक पप्पी है पर थोड़ा कमजोर है, उसकी आपको थोड़ी सेवा करनी होगी और मैं आपको 30% डिस्काउंट भी दे दूंगा। ये सुनकर और एक बास्केट में बंद पप्पी को देखकर वो भाई साहब उसे ले जाने को तैयार हो जाते हैं और अपने घर ले आते हैं। कुछ दिन उसे अच्छे से खिलाते पिलाते हैं। अब पप्पी बड़ा अच्छा दिखने लगता है। फर्स्ट टाइम ओनर बहुत ही खुश थे। कुछ टाइम बाद पप्पी के बाल गायब हो गए, कलर भी चेंज हो गया। अरे ये क्या हो गया? सेलर को कॉल किया और कहा कि पप्पी के बाल गायब हो गए हैं। तब सेलर महाशय बोलते हैं कि भाई जैसे छोटे बच्चे के दूध के दांत गिरते हैं फिर नए आते हैं, वैसे डॉग्स में भी मदर कोट होता है जो एक बार पूरा निकल जाता है। आप चिंता मत करिए, पप्पी जब 6 मंथ का होगा तब धीरे धीरे पॉम पप्पी दिखेगा। उसे स्टैंडर्ड फूड खिलाइए। अगर फिर भी आपको लगे कि पॉम पप्पी नहीं है तो मैं आपको दूसरा पप्पी दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ओनर मान गए। पर जब पप्पी 6 मंथ का हुआ तो इंडियन स्पिट्ज जैसा दिख तो रहा था पर अभी भी बाल नहीं आए थे। फिर से सेलर को फोन किया कि भाई साहब इसके बाल क्यों नहीं बढ़ रहे। सामने से जवाब आया, अभी गर्मी का मौसम है, शेडिंग सीजन चल रहा है, सर्दी का मौसम आते ही बड़े बड़े व्हाइट बाल आने लगेंगे। अब पप्पी 9 मंथ का हो चुका था, ना तो उसके व्हाइट लॉन्ग हेयर थे ना ही वो पॉम पप्पी जैसा दिख रहा था, ऊपर से कलर भी थोड़ा चेंज हो गया था। अब ओनर बिना फोन किए सीधा पहुंच गए सेलर के पास। पर जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां ताला लगा हुआ होता है। आसपास पूछा तो पता चला कि ये तो 4 महीने से बंद है। जब उनके नंबर पे फोन किया तो मोबाइल भी स्विच ऑफ था। तब वो समझ गए कि उनके साथ धोखा हो गया है, जिसे हम पप्पी स्कैम कहते हैं। आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि आप किसी पुराने या भरोसेमंद ब्रीडर से ही पप्पी लीजिए या फिर किसी ऐसे इंसान की सलाह लीजिए जो एक डॉग ओनर हो या डॉग से रिलेटेड जानकारी रखता हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ।